यू जस्ट नीड टू पंप इट थोड़ा सा हाथ में एंड देन मसाज इट ऑल ऑफ. हेलो एवरीवन, इट्स मी संपूर्णा कर्माकर एंड इफ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बट ओनली आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ओनली इफ यू लाइक. ऑल्सो बिफोर लीविंग प्लीज हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक. Okay, so for today's video, I thought, why not bring another haul? Okay, so for today's haul, I have a few hair care, skin care, and body care products. I think I have one or two makeup products as well. I'm not sure. Okay, I'm not sure whether we will call it a part of the makeup routine or not, but so all the products are from purple.com. Purple recently had their sale and Purple keeps having different sales going on, so aisa nahi hai ki I just bought them in the last sale mein maine kuch products liye the kyunki bahut sahi offers chalte hain when they have a sale going on. Also, I have a lot of products which I bought a month ago, but I wanted to share them as a part of mini review. Also, I will let you know which worked really good for me and which were like meh. Okay, so yeah, let's get started. These many products I have, it's very heavy. Okay. So let's start with body care first. So for body care, I have this Plum Body Lovin' range shower gel. It is a combo of two, and the retail price is I think $6.99. इट्स रिटन 870, उसको कट करके 699 करा है, बट आई बॉट इट फॉर 550 आई थिंक. मैं एग्जैक्ट अमाउंट स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी जितना पे मैंने खरीदा है, और इसका जो रिटेल प्राइस है वो भी मेंशन कर दूंगी. ऑल्सो आई विल लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. ठीक है, सो इसमें क्या आया था, इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ टू शावर जेल्स फ्रॉम प्लम. एक्चुअली प्लम का 7 years कम्प्लीट हुआ था, मतलब दे हैड अ बर्थडे सेल गोइंग ऑन विच वॉज लाइक थ्रू आउट लाइक नाइका, अमेजोन, प्लम के अपने साइट पे भी. तो बहुत अच्छे लाइक प्राइस में यू वे गेटिंग अ लॉट. मैंने प्लम कभी ट्राई नहीं करा था, बस उसका टी ट्री मास्क यूज़ किया था क्योंकि वो मेरे को फ्री मिला था कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, आई डोंट रिमेंबर. आई क्वाइट लाइक दैट प्रोडक्ट, और मैंने बहुत ज़्यादा लाइक हाइप सुना था इस रेंज का, बॉडी लविन रेंज का, तो आई वाज लाइक क्रैप इट. एनीवेज, तो इसमें दो अलग अलग वेरिएंट आए थे शावर जेल के. फर्स्ट वाज प्लम बॉडी लविन हवाइन रूम्बा, जो कि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को उसके बारे में बात करते सुना है कि इट स्मेल्स हेवनली. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये फुल साइज प्रोडक्ट है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि कॉम्बो में आ रहा है तो छोटा प्रोडक्ट होगा या कुछ. ये फुल साइज प्रोडक्ट है एंड इट कम्स विद अ पंप, एंड इसका स्मेल यहाँ पे ओके. सो आई हैव टू टेल यू दिस, इसका जो दूसरा वाला है दैट वॉज लाइक उपसी डेजी, जो हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और इतना ख़त्म भी हो चुका है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इतना ख़त्म भी हो चुका है. दिस स्मेल्स रियली गुड, बहुत फ्रेश, बहुत मतलब वो सनसेट, मतलब वो सौंधा सौंधा वाला खुशबू टाइप ऑफ स्मेल. इट हैज मतलब यू विल हैव अ वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस after having a shower using this, but
इसका जो पंप था आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था, जैसे ही उसका क्लिप, सो दिस इज हाउ द क्लिप इज, इस क्लिप को खोलना रहता है somewhat like this and then you know you can go ahead and use the pump. तो इसके क्लिप को जैसे ही हमने खोला ये पूरा टूट के हाथ में आ गया. ऑब्वियसली ये टूटा नहीं बट ये निकल गया थोड़ा, बट अब जबकि ये एक बार निकल चुका है तो ये बार बार निकलते रहता है. सो दैट इज हैज़र्ड जो भी. आई लव दिस स्मेल. वेर एज इसका स्मेल थोड़ा फ्रूटी है और लाइक व्हेन पीपल से कि मतलब बहुत सारे लोगों को फ्रूटी स्मेल पसंद आता है, बट मुझे इससे ज़्यादा ये पसंद आया. आई वुड नॉट से कि ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्रेग्रेंस अपने चॉइस पे है. सो हैज़ लाइक दिस वन इज़ बेटर देन दिस. ऑल्दो मैंने इसको यूज़ करके नहीं देखा है. दिस विल नॉट लीव योर बॉडी ड्राई. आई एम अ ड्राई स्किन टाइप, बट ये हाइड्रेटिंग था स्किन पे, तो दिस वॉज प्रिटी गुड. आई हैव नॉट स्टार्टेड यूजिंग दिस. आई विल यूज दिस एंड आई लेट यू नो कि इसका टेक्स्चर बॉडी पे कैसा है. ऑल्दो दिस स्मेल्स हेवनली फॉर मी, और दिस इज आई मीन this is good, not like oh my god kind of a smell, but yeah this is good. I have seen people writing about another product from Plum Body Lovin, is this Plum Body Lovin body mist in the variant vanilla white. I religiously follow Mridul and she has been saying that this is her favorite. This actually smells like vanilla, straight up vanilla. It smells straight up like vanilla. तो अगर आपको vanilla का smell नहीं पसंद है, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. Whereas for me, this smells really, really. I don't know. It smells delicious. You know, it'll be like you would feel hungry after smelling this. This is good. It lasts for 3 to 4 hours and after that you can spritz it again. This retails for ₹525. I bought it for I think 380 something. Again I'll mention the price. Iska jo shower gel ka combo tha uske sath ye ek loofah bhi free tha. So yeah. We have not used this क्योंकि मेरे को ये हॉल में दिखाना था. Now I can give it to my mom and she can go ahead and use it. और अंदर ना कन्फेटी भी है. The packaging is really pretty. So those three products were for body care. Now coming on to hair care, I have I think 3 products again for hair care. So for hair care, first of all I have this my holy grail product. This is L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum for all hair types. This is my 3rd bottle. This retails for ₹500 I think, but I bought it for ₹414. Again I'll mention the price. Okay, talking about this product, जब मैंने बोला कि ये 3rd बॉटल है मेरा, आई यूज इट रिलीजियसली आफ्टर वॉशिंग माई हेयर. एवरी टाइम आई वॉश माई हेयर, डैम्प हेयर में थोड़ा सा हाथ में लेके एंड आई लाइक गो ऑल ओवर माई हेयर. अभी भी आई वॉश माई हेयर एंड आई हैव यूज इट. यू कैन सी द शाइन इट गिव्स. इट गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टेक्स्चर टू द हेयर. ऑल्सो इसको बिफोर हीटिंग, बिफोर यू नो अप्लाइंग हीट टू योर हेयर लाइक कर्लिंग और स्ट्रेटनिंग करने से पहले
आप इसको यूज कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू विल यूज दिस यू विल नॉट रिग्रेट इट, बिकॉज दिस स्मेल्स वेरी गुड, दिस हैज ऑयल इन इट, इट वोंट लेट योर हेयर डैमेज. और जिनको लाइक स्प्लिट एंड्स और नीचे ड्राई एंड्स होते हैं, जस्ट थोड़ा सा हाथ में लेके और स्प्लिट एंड में बालों के एंड में अगर थोड़ा सा मसाज करके यू लीव इट ओवरनाइट, अगले दिन यूल एक्चुअली फील दैट योर हेयर इज अ बिट मैनेजेबल. ठीक है, इवन आफ्टर लाइक वॉशिंग योर हेयर, मसाज इट ऑल ओवर योर हेयर एंड देन कोम्ब इट, बहुत ईजिली कोम्ब होता है. और जस्ट अगर मैं बोलूँगी कि कुछ भी मत लो, बस ये ले लो, एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट. ओके, मूविंग ऑन, आई गॉट गुड वाइब्स के दो हेयर ऑयल. फर्स्ट इज दिस अनियन हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल एंड सेकेंड इज दिस कोकोनट ऑयल. बोथ आर लाइक कोल्ड कंप्रेस्ड, पैराबिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री. और मैं क्या करती हूँ ना, हाउ आई ऑयल माई हेयर एवरी वीक, मतलब वीक में वंस, ऑल्दो आई शुड स्टार्ट डूइंग इट मोर ऑफन, बट नाउ आई डू इट वंस अ वीक. सो वॉट आई डू इज आई यूज अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस अनियन ऑयल, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस कोकोनट वन. कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, ऑल्दो इट्स कोल्ड कंप्रेस्ड डायरेक्टली. आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि सिर्फ ये बॉटल से लेके ऑयल डायरेक्टली अप्लाई कर लो, ये कोल्ड कंप्रेस्ड है, 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें कुछ मिक्स कर लो. इफ़ यू हैव लाइक हेयर फॉल प्रॉब्लम देन यूज़ द अनियन वन ऑल्सो. मैं इसमें मिक्स करती हूँ अनियन ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड ऑल्सो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कैस्टर ऑयल. सो कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड अनियन ऑयल, ऑल्सो ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल मैंने नहीं लिया इस बार, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी बॉट इट फ्रॉम नायका. सो इफ यू वॉन्ट अ हेयर केयर रूटीन, I will bring it for you. Just let me know in the comment section below. Okay, so these three oils I apply whenever I oil my hair. Chalo, ye to ho gaya. Hair care is done. Now let's move on to my favorite part, that is skincare. I have a lot of products for skincare. Starting with this. Okay, this is Pond's Super. This is Pond's Super Light Gel Oil Free Moisturizer for non-sticky, glowing skin, hyaluronic acid plus vitamin E. Okay, I am a dry skin type. Hyaluronic acid is beneficial for dry skin type. Or this is the bada wala dabba. It comes in smaller dabba also. I love this. I use it every day. Or isko mangwaye hue I think 15 days hue hain. And I'll show you. Itna khatam ho gaya. This retails for rupees 299. I bought it for 249 or something. Yeah, 210. As I again mentioning the price in the screen. Iska texture is so lightweight. Because ye gel hai, to ye sticky nahi hoga. And ye ek bahut halka sa glow bhi deta hai aapke skin ko. And बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट फील्स वेरी 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 गुड आफ्टर यू अप्लाई इट. अगेन, स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स आर वेरी सब्जेक्टिव. सो अगर आप
आपको ये चीज़ सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप एंड स्किन टाइप. सो पैच टेस्ट कर लेना या फिर छोटा प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना एंड देन सी इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट. एंड इफ इट डज देन गो फॉर द बिगर बॉटल और द बिगर साइज ऑफ द प्रोडक्ट. ऑलराइट, देख रहे हो टेक्सचर? ओह आई लव इट सो मच. लाइक डिफरेंस, कैन यू सी? यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आई जस्ट अप्लाई थोड़ा सा एंड देन इट हैज़ बिकम सो सॉफ्ट. मैं मेकअप से पहले भी ये वाला क्रीम यूज़ करती हूँ, ये मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेकअप से पहले मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. आई हैव अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम गुड वाइब्स. नाउ अभी स्किन केयर में आ गए हैं तो आई विल हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम गुड वाइब्स बिकॉज आई एम इन लव विद देयर स्किन केयर रेंज. वो अफोर्डेबल होते हैं, वो काम करते हैं मेरे लिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे वर्क एंड दे आर अफोर्डेबल, इट्स लाइक सोने पे सुहागा फॉर मी, इट्स लाइक गो फॉर इट. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस गुड वाइब्स रोज हिप फेस सिरम. अगेन आई यूज दिस इन ओके आई विल टेल यू, दिस इज माई फिफ्थ या सिक्स्थ बॉटल. आई एम यूजिंग दिस सिंस अ ईयर नाउ एंड आई कैन नॉट स्टॉप यूजिंग दिस बिकॉज ये स्किन को इतना हाइड्रेट करता है, मेरी स्किन को. स्पेशली अगर आपका ड्राई स्किन है, यू विल लव दिस प्रोडक्ट. इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा थिक है, सो बहुत थोड़ा अमाउंट लगता है एंड देन यू कैन यू नो अप्लाई ऑल ओवर योर फेस एंड देन बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है. यू विल लव इट. मैं इसको ठंड में एवरी डे यूज़ करती हूँ, रात में सोने से पहले अपने नाइट टाइम रूटीन में, बट नाउ आई यूज़ इट ट्वाइस अ वीक क्योंकि बहुत गर्मी है. ये थोड़ा सा स्वेटी बना देगा फेस को, तो मैं इसीलिए इसको हर दिन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ट्वाइस अ वीक इसको यूज़ करती हूँ एंड आई जस्ट लव इट. आई कैन नॉट स्टॉप यूजिंग, आई कैन नॉट लिव विद. ओके, इफ यू गाइज वॉन्ट आई विल डू अ स्किन केयर रूटीन फॉर यू, जस्ट लेट मी नो इफ यू वॉन्ट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. मैंने अभी तक इसका पैकेट नहीं निकाला है, ये 3-4 दिन पहले ही डिलीवर हुआ है. दिस इज द ब्लू हेवन लिप बॉम इन द फ्लेवर कोको बटर. बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल नहीं है, मैंने इसको पहले यूज़ नहीं करा है तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये कैसा काम करता है. इसका टेक्स्चर नॉन स्टिकी है, पता नहीं लिप्स पे कैसा होगा. लिपस्टिक है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है और लिप्स में लगाने के बाद वो बहुत हल्का सा कोको बटर वाला स्मेल आ रहा है, वरना इसमें ज़्यादा कोई स्मेल नहीं है. इसका पैकेजिंग EOS का कॉफी है, यू नो दैट, बट दिस रिटेल्स फॉर ₹85, मुझे ये 68 का मिला. फॉर द प्राइस पॉइंट आई लव इट, बट इससे ज़्यादा अच्छा अगर आपको लेना है कम प्राइस में, आई वुड सजेस्ट इससे ज़्यादा अच्छा अगर आपको लेना है कम प्राइस में तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट बॉडी के लिप बम्स. दे वर्क लाइक हेवन. मेरे पास सेकेंड डब्बा चल रहा है अभी और एक डब्बा शायद 50 ग्राम्स का भी नहीं होता है, आई थिंक 25 ग्राम्स या 30 ग्राम्स का होता है. दैट विल लास्ट यू रियली लॉन्ग. मैं उसको दिन में दो बार यूज़ करती हूँ, लाइक आफ्टर वॉशिंग माई फेस एंड देन अप्लाइंग मॉइस्चराइजर एंड देन अप्लाइंग द लिप बाम और रात में सोने से पहले. उसका स्ट्रॉबेरी वेरिएंट आई यूज़ एंड इट वर्क्स लाइक हेवन क्योंकि
सुबह उठती हूँ तो लिप्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्लम्पी फील होता है. आई लव इट. ओके मूविंग ऑन. आई हैव गुड वाइब्स का फेस वॉश. सो आई एम अगेन ट्राइंग दिस. दिस इज़ अ न्यू वेरियंट फॉर मी. आई हैव नॉट ट्राइड दिस. गुड वाइब्स के फेस वॉशेज आई हैव ट्राइड एंड पपाया. आई हैव ट्राइड रोज हिप. आई हैव ट्राइड एलोवेरा. आई हैव ट्राइड टी ट्री. और अभी तक जितने भी ये चार या पाँच, फिफ्थ वन आई थिंक इट वॉज पोमोग्रेनेट. या पोमोग्रेनेट वाला भी ट्राई करा है. बट उन सब में मुझे सबसे ज़्यादा सूट किया है टी ट्री वाला. और दिस इज़ माई फिफ्थ बॉटल ऑफ गुड वाइब्स फेस वॉश. दिस इज़ द नरिशिंग फेस वॉश इन द कॉफ़ी वेरियंट. गुड वाइब्स में पैराबिन्स नहीं होते हैं, SLS नहीं होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होता है, मिनरल ऑयल नहीं होते हैं. तो थोड़ा सा वो आपको ऑर्गेनिक वाला भी फील रहेगा इसमें. आई विल ट्राई दिस कॉफ़ी वाला एंड आई विल लेट यू नो कि ये कैसा. स्मेल स्ट्रेट अप लाइक कॉफी. आई लव इट. आई मिस कॉफी. एनीवेज आई हैव द ग्रीन टी का टोनर. ओके ये इतना यूज हो चुका है. और दिस ग्रीन टी का टोनर एंड द पोमोग्रेनेट वाला टोनर, दीज टू आर माई फेवरेट. मैंने अगेन बहुत सारे वेरियंट्स टोनर के ट्राई किए हैं बट दीज टू आर द बेस्ट. टोनर आपको हेल्प करता है आपके लाइक पोर्स को क्लोज करता है. आफ्टर यू वॉश योर फेस यू जस्ट स्प्रिट्स अ लिटिल बिट ऑन योर फेस एंड देन इट विल क्लोज द पोर्स फॉर यू एंड देन यू कैन गो अहेड एंड मॉइस्चराइज इट. तो वो मॉइस्चर को लॉक कर देता है. ठीक है. सो यू कैन गो अहेड एंड चेक दिस आउट इफ यू वॉन्ट. अगेन आई मेंशन द प्राइस एंड एवरीथिंग. ऑल्सो लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ये सी अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अगर आपको सूट करता है नहीं करता है, गो फॉर द स्मॉलर बॉटल. ये मेरा फुल साइज बॉटल है. आप पहले स्मॉल बॉटल यूज करके देख लेना. अगर आपको सूट करता है तो ही लेना, अगर नहीं करता है तो गो फॉर समथिंग एल्स. ठीक है. मुझे ग्रीन टी और पोमोग्रेनेट वाला सबसे अच्छा लगता है एंड इट सूट्स मी वेरी वेल. इसका जो स्प्रे है वो बहुत इवनली पूरे फेस पे स्प्रिट होता है. तो आई जस्ट गो दिस एंड दिस और वो पूरे फेस पे फैल जाता है. आई कैन शो यू द स्प्रे. इट इज एंड इट स्मेल्स रियली गुड. वेरी फ्रेश फ्रेश स्मेल इज. आई डोंट नो कैमरा में वो स्प्रे कैच किया तो. DSLR लेना बहुत जरूरी है. मैंने मंगवाया गुड वाइब्स का रोज हाइड्रेटिंग फेस मास्क ऑल्सो. सो या दिस इज अगेन माई थर्ड बॉटल. दिस फेस मास्क इज एक्चुअली वेरी हाइड्रेटिंग. मैंने फेस मास्क ज़्यादा ट्राई नहीं किए हैं. आई हैव ट्राइड दिस वन. आई हैव ट्राइड द चारकोल वन. वो मेरे फेस को बहुत ड्राई कर देता है. सो आई डोंट नो फॉर दैट. मेरे को ये अच्छा सूट करता है तो आई कंटिन्यूड विद दिस वन. अगर ये ख़त्म होता है तो विल सी. आई विल पिक अप सम अदर वेरिएंट एंड आई लेट यू नो. ओके सो इसका लाइक स्मेल एंड एवरीथिंग इज स्ट्रेट अप रोज. और अगर आपको वो रोज़ स्मेल नहीं पसंद है तो ये आपके सर में कर देगा दर्द. तो इससे आप रहना दूर. ठीक है. इफ़ यू लाइक रोज़ का स्मेल, क्योंकि वो आपके फेस पे रहेगा फॉर 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स. यू हैव टू लाइक अप्लाई द मास्क एंड यू हैव टू वेट. तो वो आपके फेस पे रहेगा तो कंटिन्यूस स्मेल आपको आते रहेगा. और ये स्ट्रेट आप रोज़ स्मेल करता है. मैं आपको पहले ही वॉर्न कर रही हूँ. तो अगर आपको नहीं पसंद है ये स्मेल, कृपया दूर. Alright, moving on to my night cream. Okay, मैंने एक night cream मंगाया. So this is Good Vibes Plus का aloe vera plus vitamin E night lotion with hyaluronic acid. Now you must be wondering कि ये इतना hyaluronic acid कर रही है. मेरे skin को hydration का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि ये dry है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने products हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में
हाइलुरोनिक एसिड मैं ढूंढती हूँ क्योंकि वो मेरे को सूट करता है. और तो हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है वो तो मेरे से अच्छा आपको पता चल जाएगा अगर आप YouTube में थोड़ा उसको सर्च वर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि वो क्या होता है. मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि वो क्या होता है. दैट इज़ वॉट इट डज. वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपके स्किन को हाइड्रेशन कैसे देता है. वो बाहर के एटमोसफियर से वाटर को लेके आपके स्किन में पुश करता है ताकि आपका स्किन ज़्यादा देर तक हाइड्रेटेड रहे. मेरे सारे प्रोडक्ट्स में मैं हाइलुरोनिक एसिड नहीं रखती हूँ. मैं रखती हूँ अपने मॉइस्चराइज़र में, मैंने रखा है, और अपने नाइट क्रीम में. ठीक है, तो ये भी मैं नया ट्राई कर रही हूँ. इससे पहले मैं यूज़ करती थी साथिया सीड प्लस एलोवेरा वाला वेरियंट. उसमें हाइलुरोनिक एसिड नहीं था. वो बहुत अच्छे से काम करता था. जेल कंसिस्टेंसी उसका भी था, स्टिकी नहीं होता था. सुबह बहुत फ्रेश और बहुत सॉफ्ट रहता था स्किन. इसको मैं यूज़ करके बताऊँगी कि ये कैसा है. ऑल दो एक बार मैंने यूज़ करा है, पम्प वेरिएंट में है, ग्लास बॉटल है, और इसका मतलब कंसिस्टेंसी भी जेल टाइप ही है. ओ दिस इज गुड. Smells so good. Smells so good. This, I think I'm going to love it. Okay, so ये दो last products हैं. ये मैंने खरीदे नहीं हैं. Just because मैंने plum का shop करा था क्योंकि उनका वो birthday का sale चल रहा था. 7 years complete हुए थे. तो I got those shower gel and That body mist. तो उसके साथ मुझे ये एक फुल साइज फेस वॉश मिला है प्लम का, कैमोमाइल एंड वाइट टी रेंज का स्किन रिवाइवल फेस वॉश है ये. आई हैव नॉट यूज दिस अगेन. दिस इज माई फर्स्ट बॉटल. ओह स्मेल्स गुड. ये कैसा मेरे स्किन पे काम करता है नहीं करता, आई विल लेट यू नो. माई मॉम इज वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस and I'll let you know that also कि उनको ये कैसा लगा. Okay, the second product जो free आया था, ये एक छोटू सा bottle है of the green tea alcohol free toner plum का. मैंने बताया था आपको कि मैंने plum का सिर्फ green tea face mask use करा था. वो काफ़ी अच्छा से suit किया था मेरे को. तो I think ये भी मेरे को suit करेगा. I'll use this and I'll again let you know कि ये कैसा था. All right, that is all you guys. ये बहुत big ass video हो गया, I know. Please don't be mad, but बहुत time से ये pending था and I wanted to do a haul video. और मेरे को ये purple वाला सारा products आपके साथ share कर देना था so that you know आगे when I go ahead and share my skin care routine, hair care routine, ये सब तो it will be more helpful for you so that उस टाइम पर आपको रेफरेंस मिल सकता है. सो को अगर मुझे बताना है कि इन सारे प्रोडक्ट्स में टॉप 3 प्रोडक्ट्स फॉर मी, मतलब मैं वो नहीं बता सकती बिकॉज मैंने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं अभी तक. बट जो जो मैंने यूज़ किया है उनमें से अगर मुझे आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, दैट विल बी द L'Oreal Extraordinary Hair Serum, क्योंकि that is my holy grail serum. Alrighty, that is all for today's video. Thank you for watching and you have reached to the end. So don't forget to consider subscribing and do like this video before leaving. I will see you next time. Until then, bye bye.